नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिजनेस न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। माइक्रोसॉफ्ट ने पूरा किया एक्टिविजन का अधिग्रहण, सबसे बड़ी गेमिंग डील। दुनिया भर के बाजारों में गिरावट के बीच सेंसेक्स 125.65 अंक टूटा। दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट का असर घरेलू बाजार पर भी नजर आया। सेंसेक्स 125.65 अंक गिरकर 67,282.74 पर बंद हुआ है। टाटा मोटर्स, एससीएल टेक, मारुति, टीसीएस जैसे शेयर में तेजी से बाजार को सपोर्ट मिला है। बीएसई की 11 समूह में बिकवाली हुई। इस दौरान कमोडिटीज 0.46, वित्तीय सेवाएं 0.49, आईटी 0.67, यूटिलिटीज 0.20, बैंकिंग 0.75, कैपिटल गुड्स 0.02, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 0.12, धातु 0.33, तेल एवं गैस 0.09, पावर 0.21 और टेक समूह के शेयर 0.49% गिर गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरावट का रुख रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने कैलिफोर्निया की वीडियो गेम कंपनी एक्जीबिशन लिजार्ड का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। ये डील 69 अरब डॉलर यानी 5.74 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा में हुई है। इस लिहाज से ये ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी डील है। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से शुक्रवार को जारी बयान में कहा गया कि वैश्विक नियमों के साथ 2 साल की लड़ाई के बाद एक्टिविजन लिजार्ड का अधिग्रहण पूरा हुआ है। इस डील की बदौलत एक्सबॉक्स के लिए मशहूर कंपनी एक्टिविजन लिजार्ड प्रतिद्वंदियों के मुकाबले और मजबूत हो गई है। इंडियन पेटेंट ऑफिस बढ़ते एप्लीकेशन के कारण 900 कर्मचारियों की भर्ती करेगा। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआई आईटी के सचिव राजेश कुमार सिंह के मुताबिक 2016 के बाद से पेटेंट एप्लीकेशन 10 गुना और ट्रेडमार्क आवेदन 6 गुना बढ़ा है। सिंहा ने बताया कि हम आवेदनों के जल्द निपटारे के लिए अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नए कर्मचारियों की नियुक्ति इसी रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका ने ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा कर रहे लोगों सहित कुछ गैर अप्रवासी श्रेणियों को 5 साल के लिए रोजगार प्राधिकरण कार्ड प्रदान करने की घोषणा की है। इस कदम से देश में रहने वाले हजारों भारतीयों को फायदा मिलेगा। अमेरिकी नागरिकता एवं आवेदन सेवा के अनुसार वह कुछ गैर नागरिकों के लिए प्रारंभिक तथा नवीनीकरण ईएटी के लिए रोजगार प्राधिकरण दस्तावेजों की अधिकतम वैधता अवधि को 5 साल तक बढ़ा रहा है। संघीय एजेंसी ने कहा कि इनमें शरण पाने के लिए आवेदन करने वाले या निष्कासन को यह रोकने का आवेदन करने वाले आईएनए 245 के तहत स्थिति का समायोजन और निर्वासन का निलंबन या निष्कासन को रद्द करना शामिल है। जुलाई सितंबर तिमाही में बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 में शामिल कंपनियों का मुनाफा 18 से 23% तक बढ़ने का अनुमान है। इस दौरान सेंसेक्स में शामिल कंपनियों के मुनाफे में 19% बढ़ोतरी हो सकती है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज और नुवामा जैसी ब्रोकरेज फर्म का ये भी कहना है कि अक्टूबर दिसंबर तिमाही के कॉर्पोरेटेड नतीजों पर फेस्टिव सीजन और क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे आयोजनों का असर दिखेगा। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के मुताबिक बीती तिमाही निफ्टी कंपनियों की ब्याज, टैक्स, मूल्य हस्व और कर्ज चुकाने एबिटा से पहले बिक्री और कमाई में क्रमश 7% और 19% बढ़ोतरी होगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को छोड़कर निफ्टी का एबिटा 14% बढ़ने की उम्मीद है। फाइनेंशियल को छोड़कर निफ्टी के लिए एबिटा मार्जिन 2.30% बढ़कर 19.5% होने के आसार है। मजबूत मार्केटिंग मार्जिन के कारण ओएमसी का मुनाफा 26,200 करोड़ तक पहुंच सकता है। पिछले साल समान तिमाही में इन्हें 2,700 करोड़ का घाटा हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, एनबीसी न्यूज। खबर समाप्त करने से पहले आगे डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। माइक्रोसॉफ्ट ने पूरा किया एक्टिविजन का अधिग्रहण, सबसे बड़ी गेमिंग डील। दुनिया भर के बाजारों में गिरावट के बीच सेंसेक्स 125.65 अंक टूटा। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।